आई एम मोहम्मद अज़हरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। एक हमारे भाई साहब ने कमेंट किया था कि आपने आपका चैनल कैसे ग्रो किया है, हमें कुछ टिप्स बताइए कि हम भी हमारा चैनल को ग्रो करें, या फिर कौन से मौजूआत पर बनाई जाए, या फिर कौन से टॉपिक्स लूँ मैं जिसकी वजह से मेरा चैनल ग्रो हो। तो उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि इससे उनको भी फ़ायदा पहुंचे और बहुत सारे नए जो यूट्यूबर्स हैं उन तक भी ये चीज़ उन्हें आसानी के लिए फराहम हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कंसिस्टेंसी यानी कि आपको रेगुलर और डेली कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा होना चाहिए जो नया भी हो। नया होने से क्या होगा कि अलग अलग वे में अलग अलग थिंकिंग के और अलग अलग लोग वहाँ तक आपसे रुजू होंगे। और वीडियो फिर कौन से टॉपिक पे बनाया जाए, तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी होगी कि लोग जो है तो यूट्यूब पर हेल्प ढूंढने के लिए ज़्यादातर आते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई इंटरटेनमेंट के लिए भी अगर कोई चैनल सब्सक्राइब करता है तो उसका मकसद ये होता है कि कहीं ना कहीं उसको जो है तो उसका दिल जो है तो बहले, या फिर अगर वो बोर हो रहा हो तो उसको हेल्प के लिए वो कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि उसको कॉमेडी किसी के पसंद आ रही है, उसको बाद में आ सकती है, यानी कि अगर वो चैनल देखेगा। और ऐसा भी नहीं है कि हर कोई सिर्फ 24 घंटे कॉमेडी ही देखता रहेगा। तो मेरे चैनल का तो ये मकसद था कि हर तरह से जो है तो लोगों को अलग अलग, मतलब हर चीज़ एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग चैनल्स होते हैं और अलग अलग जो है तो यूट्यूबर्स एक टॉपिक को या फिर एक कैटेगरी को जहन में रखते हुए ये चीज़ बनाते हैं। दूसरी बात आपको ये जहन में रखनी है कि आप अगर आपके नाम से बना रहे हो, जैसे कि मैं मोहम्मद अज़हरुद्दीन शेख ये नाम से बनाता हूँ, तो अपनी आइडेंटिटी को कभी भी हाईलाइट करना है। और अगर आप ये नाम से, अगर आप आपकी आइडेंटिटी हाईलाइट नहीं कर सकते, अगर आपको पर्दे पर नहीं आना है या फिर आप वीडियो में आने से कतराते हैं, तो आपको कुछ ऐसा नाम रखना चाहिए चैनल का, जैसे कि हमारे बहुत सारे भाइयों ने रखा है द करंट अफेयर्स और इस तरह से अलग अलग है। तो इसमें कैसे है कि होगा ये कि अगर आप नाम रखेंगे तो कहीं ना कहीं क्या है कि वो आइडेंटिटी आपकी लोगों के दिमाग में बननी चाहिए कि ये फला बंदा ही है। वरना क्या होगा कि अगर आप नाम से बना रहे चैनल और उस पर जो है तो आप इंटरटेनमेंट का चैनल हो रहा है या फिर जोश का हो रहा है, तो ये नाम से उसका कुछ मेल नहीं खा रहा। यानी कि अगर कोई, अगर ऐसा आदमी है जैसे कि कॉमेडियन अगर कोई है, वो अगर उसका नाम से अगर कोई बनाया जाता है, तो उसका मतलब ये होगा कि इसके शोज़, इसके जो है तो वीडियोज़। लेकिन अगर आप आपका नाम रखते हैं और उसके ऊपर जो है तो आप अलग टॉपिक लेते हैं, तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि कंसिस्टेंसी यहाँ पर हो गई कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी और आपको ऐसे टॉपिक्स बनाना होंगे जो लोगों के हेल्प के लिए हो। एक मिसाल ले देता हूँ कि मैंने जो है तो एक कुछ दिन पहले, एक मुझे खुद लग रहा था वो कि मैंने बनाया था कि मेरा जो है तो चैनल जो है तो सेटिंग में से बेटा वर्जन में चला गया था, तो वहाँ से मुझे करना था कि क्रिएटर स्टूडियो। तो क्रिएटर स्टूडियो बहुत सिंपल स्टेप पे था, तो मुझे लगा कि ये चीज़ दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है। तो मैंने जाकर उस पर एक वीडियो बनाया कि हाउ टू चेंज फ्रॉम बीटा स्टूडियो टू क्रिएटर स्टूडियो। तो वहाँ पर जाने के बाद मैंने उसे सिर्फ सेटिंग में जाकर उसे क्रिएटर स्टूडियो किया और सेव कर दिया और वहाँ पर से वो अपलोड कर दिया वीडियो। तो अब क्या था कि जिन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम आया, तो उन्होंने वो सर्च किया होगा, तकरीबन कुछ 5 से 9 व्यूज़ गए होंगे, तो उसमें जो है तो एक USA से एक बंदे का जो है तो वहाँ पर एक कमेंट आया, उसका चैनल का नाम कुछ शायद अभी भी वो उसकी कमेंट वहाँ पर मौजूद है, जिसका नाम शायद कंप्यूटर टीचिंग टेक कंप्यूटर ऐसा कुछ है। तो जिसमें क्या है कि उसके तकरीबन इतने वीडियोस है हज़ारों में कि वो हर तरह से प्रोसेसर्स के बारे में, पुराने कंप्यूटर्स वगैरह हर तरह से वीडियोस बनाते हैं। यानी कि उसके खुद के इतने फॉलोअर्स है और इतने सब्सक्राइबर्स है, यानी कि तकरीबन बात की जाए तो लगभग 45K के ऊपर ही शायद होंगे लगभग। तो इस तरह से उसके सब्सक्राइबर्स है, लेकिन उसको एक छोटा सा जो है तो वीडियो देखने के लिए उसको ज़रूरत पड़ेगी सर्च करने की, और वो मेरे वीडियोस तक आ गया और वहाँ से उसे सर्च करके उसको हेल्प मिली। उसने कमेंट भी किया, इतना बड़ा मतलब एक यूट्यूबर होने के बावजूद। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों की हेल्प के लिए डालो, यहाँ पर लोग हेल्प के लिए आते हैं। आप अगर उस पर सिर्फ अपने घर के वीडियोस ही बनाएंगे या फिर अपनी मिमिक्री वगैरह, तो ये चीज़ें टिकटॉक पर चलेंगे, यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं चलेंगे, क्योंकि वो लोग सिर्फ वही देखेंगे जो आपसे जान पहचान वाले हो
या फिर कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट के वास्ते वो आ गया हो, लेकिन लोगों को हेल्प पहुंचाने के अगर आप वीडियो देखे, और बाकी दूसरी चीज़ें करना है कि टिकटॉक एकदम बेहयाई है, उसको यूज़ ही मत करो, फुल टाइम वेस्ट है और बहुत ही घटिया किस्म का जो है तो ऐप है बेहयाई फैलाने का। यूट्यूब पर अगर आप आकर अच्छी अच्छी बातें बताते हो तो ये आपका करियर होगा, ना कि टिकटॉक। और दूसरी चीज़ ये कहना था कि ये हो गई है कंसिस्टेंसी की बात। दूसरी है कि लाइव लाइव आना अगर आप जब जब चालू करेंगे तो इससे क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा कि आप लाइव हो, उनको नोटिफिकेशन मिलेंगे और कहीं ना कहीं वो अपडेट रहेंगे, उनके दिमाग में रहेगा कि बंदा जो है तो अच्छा काम कर रहा है तो आपसे जुड़े रहेंगे। नहीं तो क्या होता है बहुत टाइम के बाद कि अगर एक चैनल पड़ा है, अगर हम सर्च कर रहे हैं हमारे सब्सक्रिप्शंस, तो हम कभी ना कभी ऐसा करते हैं कि फला चैनल बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो गए, बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस हो गए, तो ये फला चैनल जो है तो कुछ पोस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसको निकाल लो, या फिर इसका कुछ नाम ही नहीं आता, या फिर बेनिफिशियल नहीं, तो वहाँ से अनसब्सक्राइब बहुत सारे लोग कर देते हैं। और तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ माइंड में रखना होगा कि हम ज़्यादातर लाइव आने की कोशिश करें या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करें, तो उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और थर्ड जो पॉइंट है, ये तीन चीज़ें ही सक्सेस के है एक अच्छे यूट्यूबर के लिए। और थर्ड पॉइंट ये है कि बी योरसेल्फ यानी कि आप खुद होइए। होता यह है कि अब जैसे कि मेरा मोहम्मद अज़हरुद्दीन शेख चैनल है, तो इसमें से यानी कि लगभग अभी 350 के करीब ये वीडियोस होने आए हैं, लेकिन जिसमें से देखा जाए तो तकरीबन 320 भी अगर कंसीडर किया जाए तो ये खुद के मेरे जो है तो वीडियोस रहेंगे, बाकी कुछ वीडियोस की ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से ली गई थी। तो इसमें क्या है, परसेंटेज जो होना चाहिए तो वो 70% के अबाव जो है तो इंसान ने खुद होना चाहिए। अगर आपका खुद का चैनल है, अगर आप नाम से आइडेंटिटी हाईलाइट कर रहे हो, तो एक तो आपके 70% आपके खुद के चैनल होने चाहिए, फिर चाहे आप उसमें जर्नल नॉलेज बोलो, चाहे उसमें न्यूज़ आप पढ़कर सुनाओ, चाहे जो भी हो, लेकिन ये आपका खुद का होना चाहिए। अब क्या होता है, बहुत सारे जो है तो न्यूज़ चैनल जो होते हैं, तो न्यूज़ चैनल्स इसलिए ट्रेंडिंग में आ जाते हैं क्योंकि उनको लाइव वो चीज़ें मिल जाती है, वो सर्चिंग करते रहते हैं कहीं ना कहीं, तो उनका वहाँ से ज़्यादा व्यूज़ चले जाते हैं। लेकिन जो न्यूज़ चैनल की कैटेगरी होती है तो वो एक लिमिट तक लोग रखते हैं यानी कि, लेकिन अगर आपको यूनिकनेस पैदा करना हो तो उसके लिए आपको ये चीज़ रखना होगा कि आपको खुद, अगर आप समझ लो न्यूज़ चैनल भी अगर चला रहे हो तो आपको खुद वहाँ पर इंटरव्यू लेना होगा। यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फला फिल्म रिलीज़ हो रही है उसकी फ़िल्म डाल लो, या फिर फला चीज़ डाल लो, यानी कि ट्रिक्स जो आजमाते हैं ना लोग, तो इसमें क्या होता है कि कॉपीराइट कंटेंट वगैरह भी आ जाते हैं बहुत सारे, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और इससे हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए मतलब कैंसिल भी हो सकता है। तो हमें तीसरी चीज़ ये याद रखनी चाहिए कि बी योर सेल्फ, आप खुद होइए। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, टैलेंट सर्च कीजिए। जब यानी कि पहले मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था यूट्यूब पे अपलोड करने की, तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पर कुछ क्या किया जाए। तो मुझे प्रेस करना था, इस्तरी करनी थी कपड़ों की, तो मैंने सोचा चलो ठीक है यही बनाकर उसे अपलोड कर दिया जाए। तो उसे अपलोड कर दिया गया तो उस पर तकरीबन यानी इतने व्यूज़ नहीं गए थे, लेकिन एक शुरुआत वहाँ से हुई थी। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना है आपका टैलेंट कि अगर आपको ऐसा लगता है, यानी कि मैंने ऐसे ऐसे देखा हूँ वीडियोस कि जिसमें वो बताया गया है कि एक तरीक़ा के कुल्फी कैसे बनाया, उसको मिलियंस 10 मिलियंस के ऊपर व्यूज़ चले गए। किसी ने कुछ तरीक़ा बताया कि ये फला सब्ज़ी कैसे बनाए, उसको मिलियंस में व्यूज़ चले गए। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप खुद नहीं होते, लेकिन आपको उसमें क्या करना होगा कि बेनिफिट प्रोवाइड करना होगा, किसी की ज़रूरत बने हो। सिर्फ आप एंटरटेनमेंट को अगर दिमाग में रखते हुए बनाए तो आप अनसक्सेसफुल यूट्यूबर भी बन सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि ये चीज़ से लोगों का बेनिफिट हो सकता है तो वो चीज़ें आप उस पर अपलोड कीजिए, लेकिन उसमें भी आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि वो सारे चीज़ें लीगल भी हो और किसी को यानी कि उसको हर्ट ना हो किसी को। यानी कभी कभी ऐसा होता है हम किसी के भी ऊपर अगर मेरी बात की जाए, अगर मैं मुझसे कोई कहा जाए कि मैं व्यूज़ के पीछे नहीं भागता कभी भी, एक व्यू कभी कभी मैं प्रोमोट भी नहीं करता वीडियोस को, छोड़ देता हूँ, खुद ही व्यूज़ जाते हैं उसके, मुझे उसका एक व्यू भी मिलता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने किसी के बेनिफिट के लिए बना कर रखा हो। सिर्फ अर्निंग के लिए और व्यूज़ के लिए अगर बना रहे हैं तो स्टॉप कर दो, यूट्यूब चैनल क्लोज कर दो। लेकिन अगर आप किसी की हेल्प के लिए बना रहे हो तो यही आगे जाके आपको इनकम और व्यूज़ जनरेट करेगा। तो कहने का ये मकसद था कि अगर हम व्यूज़ के लिए बनाएंगे तो वो सक्सेसफुल कभी भी नहीं रहेगा। आपको हेल्प के लिए बनाना चाहिए वीडियोस के फला चीज़
तो अगर मेरी बात की जाए कि मैं किसी को भी अगर बुरा भला कहकर मैं व्यूज़ कमाना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसको या फिर उसके फॉलोअर्स को अगर बुरा लग सकता हो, तो इसमें चैनल भी ख़तरे में आ सकता है, कम्युनिटी स्ट्राइक्स वगैरह वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो फिर वो कुछ फ़ायदे का नहीं, अगर आप ये इंटेंशन से बना रहे हो। फिर आपको उसके अलावा यहाँ तक के जेल भी हो सकती है कि अगर आप किसी को मतलब इंडिपेंडेंट होने के बावजूद कुछ भी कह दे रहे हो, उसके दिल को अगर ठेस पहुँचती हो तो ये बातों को आपको ख्याल में रखना चाहिए कि लीगल और किसी को ठेस ना पहुँचाने के लिए, व्यूज़ के लिए नहीं, और आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है और उसी तरह से लाइव ज़्यादा आने की कोशिश करना है अगर आपको सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है। तो सिर्फ इतना ही करना होगा। मेरा चैनल जब मैंने चालू किया था तो उसको छोड़ दिया था बस ऐसे ही। मेरा चैनल सिर्फ 5 महीने में मोनेटाइज हो गया है, उसकी यही वजह है जो मैंने आपको बताया हो कि मैंने लोगों के हेल्प के लिए ये चीज़ प्रोवाइड किया हो बस, और वो आगे जाके ग्रो होती है। पहले पहले हमें 1 व्यू 2 व्यू दिखता है, लेकिन हमें उसके लिए कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी नीयत भी अच्छी और पेशेंस रखना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई और कन्फ्यूज़न हो तो नेक्स्ट टाइम के लिए उसे क्लियर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।